ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ, ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ, ਮੈਰੀ ਕੌਮ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਲਵ ਅਫੇਅਰ, ਝਾਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੋਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਕਾਮੇਡੀ, ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਰਾਈਟਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये ऐसे कि मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ऐसे आए कि मैंने एक रिसर्च की मार्केट में कि मुझे खुद अपने आप को भी लॉन्च करना था। तो मैंने ये देखा कि मार्केट में अभी कॉमेडी का ट्रैक चल रहा है, ये कॉमेडी कॉमेडी पिक्चर सब ऐसे कुछ ऐसा होता नहीं, तो मैंने देखा कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि जिसमें कुछ अलग मिले मार्केट में। तो मैंने ये सोचा कि धी पंजाब दी जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि एक फीमेल के ऊपर, औरतों के ऊपर, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो लेके आने चाहिए आगे। कि जो आज की डेट में सभी हमारे, ये देखिए अपना जितनी भी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, चाहे जितनी भी अपने पॉलिटिशियंस हैं और समाज सेवक हैं, सभी ये बोल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो क्या प्रैक्टिकल करके हम जब दिखाएंगे ऑडियंस को कि भाई बेटी को क्यों बचाएं, उसे क्यों पढ़ाएं, क्या वो देश के लिए, समाज के लिए क्या कुछ कर सकती है। तो ये जो एक पूरे का पूरा पार्ट था, ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में एक मिसिंग पार्ट था। तो मैंने इस मिसिंग पार्ट को उठा के मैंने मार्केट में लेके आया और पिक्चर के ज़रिए लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भाई बेटियों को अगर हमने बचाना है, पढ़ाना है, तो ये सब कुछ वो कर सकती है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बस ये मेरा मकसद था इस मूवी को, इस कॉन्सेप्ट को लेके आने के लिए। नहीं, ये तो देखिए ये ऐसा था कि ये जब कॉन्सेप्ट मैंने डिज़ाइन किया तो मैं काफ़ी, मैंने प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग की, तो कोई फंड देने को भी नहीं था कि यार ऐसा कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा मार्केट में आएगा कि नहीं। और डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनका था, जैसे जो हीरो हीरोइन मार्केट में चल रहे थे उस वक्त, भाई वही लेके करने। फिर मेरे को लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंसाफ नहीं होगा, तो फिर मैंने ये खुद ही डिसीजन लिया कि भाई मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, कर रहा हूँ तब से जुड़ा हूँ, तो कुछ ऐसा अपनी टीम लेके, अच्छे लोगों को लेके खुद इसे प्रोड्यूस किया जाए, खुद डायरेक्ट किया जाए और किसी और को घुसने ना दिया जाए जो कंटेंट को बिगाड़ के रख दे। तो फिर इसको धीरे धीरे करते, जैसे डिज़ाइन करते गए, डायरेक्शन में कुछ कमियाँ थी निकालते गए, कुछ लिरिक्स में देखते गए राइटर में, फिर ऐसे कुछ फंडिंग की, कुछ जैसे जैसे करते करते काफ़िला बनता गया और आज पूरा प्रोजेक्ट थी पंजाब दी एक रिलीजिंग के ऊपर है। बस अभी इसको एक दो मंथ में रिलीज़ कर देंगे हम लोग। वो जो एज ए मैंने इंडस्ट्री में देखा कि हमारे इंडस्ट्री में जो सिख हीरो हैं, सिख हीरो की बहुत कमी है, तो उसमें क्या मैंने देखा कि सिख किरदार को लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक तो वो बल्ले बल्ले और एक मार दाड़ वाला। तो वो अभी जैसे दिलजीत दुसांझ मेरे भाई हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, तो वो कॉमेडी में उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, कॉमेडी में मैं ना तो उनका कोई तोड़ है और ना कोई भी आ जाए,
कोई पगड़ी वाला, कोई हीरो, कोई भी सरदार आ जाए, लेकिन उनका तोड़ कोई नहीं है दिलजीत का। तो ये मैंने सोचा कि एक तरफ दिलजीत काम कर रहा है, तो मैंने सोचा कि एक एक्शन हीरो की जो जगह है वो खाली पड़ी है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने आप को खुद एज ए एक्शन हीरो डिज़ाइन किया अपनी टीम को लेके। फिर ती पंजाब दी मूवी में एक एक्शन सीक्वेंस निकाला हम लोगों ने कुछ 5 मिनट का, तो वो उससे मैंने एंट्री की कि एज ए एक्शन हीरो। फिर एक पिक्चर डिज़ाइन की, सिख टाइटल है उसका, तो वो 1984 और 1947 से लेके 1984 तक पूरी की पूरी मूवी पाकिस्तान हिंदुस्तान का कंटेंट है, जो लहंदा पंजाब चढ़ते पंजाब का, पूरी की पूरी वो एक्शन मूवी है फाइट। उसको भी जल्दी हम फ्लोर पे लेके आने वाले। अभी उसका सिख का प्री प्रोडक्शन में काम चल रहा है, तो उसका म्यूजिक पे काम चल रहा है और उसकी लोकेशन पे रैकी के पूरा उसका अभी वो काम प्री प्रोडक्शन का पूरा जोर शोर से चल रहा है उसका। ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑडियंस से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अच्छा देखो, ये मत कि ये हीरो हिट हो रहा है, भाई इसी को देखना है, ये कॉमेडी चल गई तो इसी को देखना है। आप अच्छा देखने की कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को, घर वालों को, अपनी बहनों को, बहू बेटियों को भी साथ लेकर अगर थिएटर में जाएं तो साथ इकट्ठे बैठ के एक एंटरटेनमेंट पिक्चर देख सकें, चाहे वो मूवी मैं बना रहा हूं, चाहे इंडस्ट्री में कोई बना रहा है, चाहे कोई भी कहीं पे भी वर्क में लगा है। तो उन सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो कंटेंट के लिए खेलते हैं और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को। बस मेरा ऑडियंस से यही कहना है। ठीक है जी, सत श्री अकाल।